मंगल मित्री स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट योर होम। अभी रिवीजन वर्क चल रहा है जिसमें टॉपिक है काउंटिंग इन टेंस। ओके, जब हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें काउंट करना होता है, लेकिन हम उन्हें इकट्ठा एक साथ काउंट नहीं कर सकते बहुत सारे, क्योंकि वो बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। तो इसलिए हम उनको क्या करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप में, टेंस के ग्रुप में, टेन टेन के ग्रुप में बांट देंगे, जो जिससे फिर हमें उन्हें काउंट करने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे इसमें देखिए एक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एक्स है, हमने उसका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये हो गया 1 10s, ये 2 जो लूज एक्स है, तो यानी 2 1s, 10 1 10s, यानी 1 मल्टीप्लाई 10 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 हमारे पास टू कितने हो गए, 10 प्लस 2 12 एक्स। सेकंड नंबर में ये लीफ है, ये बहुत सारे लीफ हैं, हम इन्हें भी 10 10 के ग्रुप में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 का 1 ग्रुप। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगला ग्रुप जो हो गया, फिर 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का ये नेक्स्ट ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया। और 1 2 3 4, यानी हमारे पास कितनी 4 जो है लूज लीव्स हैं, तो हमारे पास कितने ग्रुप बने हैं, 2 ग्रुप्स, 2 10s प्लस 4 1s, 2 multiply 10 20 plus 4 multiply 1 4 1 4 plus 1 4 1 4, तो टोटल हमारे पास कितनी लीव्स हैं, 24, कितनी लीव्स हैं, 24। ओके, ये जो है एरो बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 का ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 का ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और ग्रुप बन गया 10 का, और ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 1s, 1 2 3 10, 3 multiply 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1, 30 प्लस 7 7, टोटल 37। आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आपके आसपास जितनी भी जो भी चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, और उनको 10 10 के ग्रुप्स में बांट कर उनका एक ग्रुप बनाइए और फिर उनको काउंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।